हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रॉक बाबा और इन कंपनी ऑफ गौरव अगेन। बहुत फॉर्चुनेट है हम कि गौरव हमको लगातार दो दिन मिले हैं। थैंक यू गौरव। और लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट बाबा एंड ब्रोस प्रेडिक्ट गेम वीक 5 प्रीमियर लीग। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू किया जाए। तो दीज आर द फिक्स्चर्स फॉर गेम वीक 5। तो सैटरडे को हम देख रहे हैं न्यूकासल वर्सेस लीड्स। तो गौरव, जैसा देख सकते हैं हम कि न्यूकासल काफी मतलब अच्छा खेलती रही है, लेकिन रिजल्ट्स थोड़े से उनके फेवर में नहीं गए हैं। यूनाइटेड का गेम बहुत अच्छा गेम था, मतलब सेंट मैक्सिमन का बहुत ही अच्छा इंपैक्ट है उनका, मतलब अच्छा प्लेयर है। दो तीन डिफेंडर्स खुद पे वो अट्रैक्ट करके फिर उसके बाद पूरी टीम को इन्वॉल्व करता, तो जो गोल था बहुत अच्छा था एंड दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट न्यूकासल एंड लीड्स। आपकी फेवरेट टीम है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल जो भी है एज अ न्यूट्रल जो भी है जो भी है उसके अलावा तो लीड्स ही है टीम। लेकिन ये मैच काफी एक्साइटिंग होगा क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलना पसंद करती है। स्पेशली लीड्स जो है वो एक बहुत ज्यादा हाईलाइन रखती है, तो न्यूकासल के जो पेसी अटैकर्स है जैसे सैंड मैक्सिमिन हो गए, कैलम विल्सन हो गए, देखना होगा कि वो फिट है कि नहीं इस मैच के लिए। बट काफी उनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो उस हाईलाइन को, जो विलक आर्सेनल से आए हैं न्यूकासल इसी सीजन, जो विलक, तो काफी मतलब अच्छा एक अटैकिंग ऑप्शंस हैं न्यूकासल के पास। बट मुझे लगता है कि आई थिंक कहीं ना कहीं एक वो शार्पनेस लैक करती है न्यूकासल जब जरूरी होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आई थिंक पॉइंट्स नहीं आ पाए उनके। तो मुझे लगता है कि दिस गेम विल बी एन एंटरटेनिंग ड्रॉ। 1-1 के साथ जाना चाहूंगा मैं। व्हाट विल बी योर प्रेडिक्शंस फॉर दिस गेम? I was really impressed with the way Newcastle played. बहुत बड़ा occasion था Ronaldo का comeback and obviously scoreline justify नहीं करती है उनका performance. 4-1 was not the perfect result for I was not that really convinced, मतलब इतना convincingly United जीती नहीं थी. So I think that the performance was really well till 75-80 minutes and I really like the way they played. So I'll go with the Newcastle win. I think they'll win 2-1. ठीक है, चलो नेक्स्ट गेम आते हैं। तो इट्स वुल्स वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। ब्रेंटफोर्ड थोड़ी सी मतलब खराब मेमोरीज गौरव, ओपनर सीजन ओपनर, लेकिन उसके अलावा भी हमने देखा है कि ब्रेंटफोर्ड डज नॉट लुक लाइक अ टीम हु हैज जस्ट बीन प्रमोटेड टू प्रीमियर लीग। और ऑन द अदर हैंड वुल्स की हम बात करें तो वो भी काफी इंप्रेसिव रहे हैं एंड वी सॉ देम फाइनली गेटिंग देयर फर्स्ट विन अगेंस्ट वॉटफोर्ड इट वॉज इन द लास्ट गेम वीक। और तीनों मैच उसके पहले भी जो उन्होंने खेले थे बहुत अच्छे अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस रही थी, लेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल स्पर्स के अगेंस्ट उनके तीन जो मैच हुए थे तो अनफॉर्चुनेट थे। तो क्या लगता है मतलब इस मैच में, आई थिंक वुल्स का पड़ला भारी थोड़ा सा इस मैच में? द वे वी वर डिस्कसिंग यू सेड दैट यू हैव बीन रियली इंप्रेस्ड विद द वे वुल्स वर प्लेइंग तीनों ही मैच में एंड दे डिजर्व मोर देन दैट। अगेंस्ट यूनाइटेड आल्सो दे वर रियली इंप्रेसिव, बट खास बात ब्रेंटफोर्ड का, उनका जो स्ट्राइकर था उसका बहुत हाइप था इवान टोनी का एंड आई एम रियली इंप्रेस विद हिम। ही इज वन ऑफ दोस रेयर ब्रीड ऑफ स्ट्राइकर्स हु हेल्प देयर डिफेंडर्स टू डिफेंस में आके, बहुत ही उसका वर्क रेट बहुत ही फिनोमिनल है। सो आई वाज रियली इंप्रेस विद हिम। एंड वुल्स का यार उसका एंड प्रोडक्ट ये बार बार डिस्कस करते हैं हम लोग कि ट्रारोरे का अगर एंड प्रोडक्ट अच्छा हो जाए तो दे कैन डू वंडर्स, बट उनका एक कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो आई थिंक यस वुल्स का पलड़ा तो भारी है, बट आई वॉज रियली इम्प्रेस विद ब्रेंटफोर्ड अगेंस्ट आर्सेनल, जो मैच देखा था मैंने बहुत ही अच्छा खेले थे वो। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई विल गो विद ड्रॉ, या 2-2 ड्रॉ। 2-2 ड्रॉ, अच्छा मुझे लगता है कि वुल्स विल एज दिस वन, तो 2-1 वुल्स विक्ट्री के साथ जाना चाहूंगा मैं इसमें। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अगेन द मैच दैट मतलब जिसकी बारे में हम बात करना चाह रहे थे आपसे सबसे ज्यादा, बर्नली वर्सेस आर्सेनल। तो आर्सेनल का तो हमने खैर काफी इनडेप्थ डिस्कशन कर लिया बहुत बार और कल भी हमने काफी बात करी, तो सिर्फ इस गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो एक अवे ट्रिप मैं कहूंगा थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, बर्नली अवे मतलब इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पेशली जिस फॉर्म में भी आर्सेनल है। तो व्हाट डू यू थिंक, ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मैच? मतलब एक्सपेक्टेशंस तो विक्ट्री की है ही ऑब्वियसली,
But what do you think? कि थोड़ा सा improvement देखने को मिलेगा given the fact that Partey is back. I think if Partey, given that Partey starts this game, because even the goal we scored, it was a very scrappy goal था. लेकिन फिर भी उसके build up में जो pass था वो Thomas Partey का ही था. It was an instant impact from him. And थोड़ा सा आई थिंक उसको सेव करके Arteta चल रहा है बिकॉज ही इज वे टू इम्पॉर्टेंट. इट्स रियली नेसेसरी फॉर अस, जैसे मैंने कल भी बोला था, फॉर हिम टू हैव दैट एक्सटेंडेड रन ऑफ गेम्स इन द स्टार्टिंग 11. सो आई थिंक दैट टुमारो इज द डे दैट थॉमस पार्टी स्टार्ट्स फॉर आर्सेनल. एंड आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज पार्टनरशिप विद लोकोंगा. शाका अवेलेबल नहीं है इस मैच में. So, but then again, Burnley is a one team which is very well set up defensively. Sean Dyche ne bhi contract bhi extend kiya hai apna till 2025. This shows that they have full faith in their manager, and he is one reason jo itne saalon se they have become a mainstay in the Premier League. A lot of people every year predict that they are going to be the one who are going to go down, but defensively bahut hi acha unka setup hota hai. बहुत ही बल्की डिफेंडर्स हैं एंड ऑल. बट देन अगेन आई थिंक दैट इफ वी विन दिस मैच कन्विंसिंगली देन एक बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस होगा. सो आई एम होपिंग फॉर अ वेरी आई वोंट से दैट इट्स गोना कम इजी, बट वी विल हैव टू डिग डीप एंड आई थिंक वी शुड विन 2-0 दिस वन. मैं काइंड ऑफ आई विल अग्री विद यू ऑन दैट वन कि एक अच्छी परफॉर्मेंस होना जरूरी है. मतलब इट शुड नॉट बी लाइक कि जैसे एक स्क्रैपी गोल हो गया और एक मतलब बर्नली की डिफेंसिव मिस्टेक हो गई और 2-0 जीत गए. मतलब रिजल्ट की तो दरकार है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है. मतलब रिजल्ट की तो जरूरत है बहुत ज्यादा आर्सेनल को, डेस्परेटली दे नीड 3 points आउट ऑफ दिस फिक्चर. बट एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जिससे गोइंग इन टू द नेक्स्ट बिग गेम्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अभी आपके सिटी और चेल्सी से तो हो गए मैच, लेकिन अभी लिवरपूल बाकी है, स्पर्स बाकी है और यूनाइटेड बाकी है, लेस्टर बाकी है. तो ये थोड़े से टेस्टिंग फिक्स्चर्स होंगे, तो उनमें जाने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत. एंड आई थिंक कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बर्नली की जो हमने फ्रेल्टी देखी है कहीं ना कहीं डिफेंसिवली, वो लिवरपूल ने बहुत अच्छे से एक्सपोज की थी. कि अगर डीप से कोई लॉन्ग बॉल खिलाने वाला प्लेयर है तो उनके पास वाइड डिफेंडर्स हैं जो फुल बैक्स हैं और जो उनके सेंटर बैक्स इतने पेसी नहीं है. And you have players who can do that from deep. Or Thomas Partey आ जाता है तो एक अलग dimension add हो जाता है midfield में. And you have someone like an Aubameyang, तो famous है ही बहुत ज़्यादा वो get in behind वाले runs करने के लिए. And he is very pacey with Saka also. So I think firepower तो है, but it is all about the mentality. But I also will agree with you on the scoreline too. I think it will be a 2-0 Arsenal win. And let's hope it's a 2-0 Arsenal win. And we'll see best of Arsenal. In the rest of the season to come. Okay, next, I am not at all convinced by Crystal Palace so far. So I think it will be a straightforward win for Liverpool, as far as I am concerned. Or Salah ko maine captain bhi banaya apne FPL mein this week. Toh wo thoda sa ek selfish interest bhi aa jata hai. But I think ki Liverpool are well settled aur ek confidence bhi aata hai Milan ko jis tarike se unhone haraya Anfield mein 3-2. Wo bhi kafi ek acha match tha. तो आप क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में? अभी जो लास्ट गेम वीक था उसमें क्रिस्टल पैलेस गॉट अ विन ओवर टॉटनहम हॉटस्पर्स, 3-0 का जो विक्ट्री था उनका. बट इट वाज मोर डाउन टू दैट रेड कार्ड जो टॉटनहम हॉटस्पर्स को मिल गया था, एंड दे वर अ मैन डाउन. एंड आई ऑब्वियसली बड़ी टीम के अगेंस्ट इट वॉज द फर्स्ट विन ऑफ द सीजन, इट वॉज द फर्स्ट विन अंडर पैट्रिक वेरा, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप तो होता ही है. बट आई थिंक दैट दिस फिक्चर इज वे टू टफ. एनफील्ड है, लिवरपूल है, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल इजिली स्कोर कर रहे हैं. जैसे इवन लास्ट लिवरपूल के मैच में हमने देखा थोड़ा सा वरिंग साइन था साडियो माने का, वो मिस जो 2-3 उन्होंने बहुत ही मिस किए. इट्स सो अनलाइक हिम, ब्रिलियंट प्लेयर है, सब कुछ है. बट वही अगर दूसरे विंग पे साला है, जोटा ने बहुत अच्छे चांसेस बनाए थे. एंड ये फायदा होता है कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस उसी गेम में वापस रिगेन हो जाता है. देन अगेन ही स्कोर्ड इन दैट मैच इटसेल्फ, एंड फेबिनो जैसे प्लेयर भी स्कोर कर रहे हैं, तो एनफील्ड फैक्टर आता ही आता है. सो इवन आई थिंक दैट इट्स गोना बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड विन फॉर लिवरपूल. बट लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग लेटली दैट क्रिस्टल पैलेस इज द वन टीम दैट्स गोना गो डाउन. पैट्रिक वेरा, दे आर नॉट कन्विंस्ड विद पैट्रिक वेरा. इवन आदि ब्रो आल्सो सेज ऑलवेज दिस. I don't think so. I think that they have those players.
जिनका इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत ज्यादा है, जहा का हमने लास्ट मैच में देखा ही था, एज ए बहुत अच्छा प्लेयर है। तो ये ऑडिसन एडवर्ड उन्होंने साइनिंग की है, आते ही उसी की बात करने वाला था, दो गोल मार दिया आते ही। So it's a big boost for any player, 80th minute पे substitute हो गया आना और दो गोल मारना against a team of caliber of Tottenham Hotspurs. So he's gonna come good. I have been following him from his Celtic days also. So अच्छा player है, बहुत अच्छा striker है, and I think that they're gonna stay up and that too comfortably. But this is not the match in which they're gonna show it. I think it's gonna be a straightforward Liverpool victory. I'll go with 3-0 for Liverpool. I'll also go with a 3-0, 4-0. मतलब उसी तरीके का मैच लग रहा है मुझे. And I think, I hope it's a Salah hat-trick. Captain है मेरा. चलो, next is Man City versus Southampton. तो ये तो मतलब इस पे ज़्यादा अपन को discussion करने की ज़रूरत नहीं. हाँ, तो your prediction for this game? I think it's going to be a high-scoring match. हमने ये बहुत बार past में देखा है कि अगर गार्डियोला की मैन सिटी क्लिक करने लग जाती है तो एक्सटेंडेड रन ऑफ फिक्चर्स में चार पांच गोल मारते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं। तो अभी चैंपियंस लीग में देव स्कोर्ड व्हाट सिक्स गोल्स, सिक्स गोल्स, दैट्स गोना बी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर देम। एंड ग्रीलिश इज कमिंग इन टू हिज स्ट्राइड, जेलप हो रहा है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज है, आर्सेनल के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला था, इवन चैंपियंस लीग फिक्सर्स में बहुत अच्छा खेला था, मारिस स्कोर्ड, तो उनके जो भी फ्रेंच प्लेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छा, डेब्रॉयन भी फिट होने वाला है, डेब्रॉयन फिट होने वाला है, तो सो ऑल अराउंड पॉजिटिव वाइब्स हैं क्लब के, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी हाई स्कोरिंग मैच, आई विल गो विद अ 4-0 विक्ट्री फॉर मैन सिटी इन दिस वन। 4-0 तो नहीं, हां, बट आई थिंक क्लीन विक्ट्री होगी मैन सिटी के लिए। चलो, आई विल गो विद अ 3-0, थोड़ा कुछ तो अलग सब कुछ ही सेम हो जाएगा तो मजा नहीं आ जाएगा। दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, इट्स हाई टाइम कि अब नॉरिच को भी एक अपनी विक्ट्री मिले, एक पॉइंट मिले, अभी तक उन्होंने पॉइंट भी नहीं लिया है, और तो काफी मतलब एक प्रेशर रहेगा नॉरिच पे, बट दे आर होम टू वॉटफर्ड, और अभी जब इतना आप डाउन होते हो फॉर्म पे और कॉन्फिडेंस पे, तो वॉटफर्ड इज अ वेलकम फिक्सचर, दोनों ही नई प्रमोटेड टीम्स हैं, तो आई थिंक ये द ओनर्स इज ऑन नॉरिच नाउ। और मैं कहूंगा कि जो उनके लास्ट दो गेम्स थे, आर्सेनल और लेस्टर, परफॉर्मेंसेज वर डिसेंट, मतलब ऐसा नहीं था कि खराब खेल के आ रहे हो, मतलब दे पुट अप अ फाइट, बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स डिड नॉट गो इन देयर फेवर। तो हाँ, तो आपको क्या लगता है? I saw that match against Arsenal, 15 minutes to Arsenal, it was all Arsenal, and uske baad un logon ne jab counter-attacking football start kiya Norwich ne apna, so I was really impressed with them. Timo Pukki thoda sa sharpness lack kar raha hai, but he'll come through, and unke paas bahut acche players hain, jo ki matlab they are very well gelled up team, aur the best part about them is that ye jo losses unko hote hain, it doesn't bother them, they're not a reactionary team. उन्होंने अपना जो मैनेजर है, दे गॉट प्रमोटेड लास्ट टू लास्ट सीजन, उसके बाद फिर रेलीगेट हो गए, तो भी दे रिटेन्ड देयर मैनेजर, बहुत ही टीम, बहुत सारी टीम ऐसा करती है वो अपने मैनेजर को फायर कर देती है, बट नॉर्विच इज नॉट वन ऑफ देम, डेनियल फाके अगेन गॉट देम प्रमोटेड दिस सीजन, सो जो उनका ब्रांड ऑफ फुटबॉल है वो भी काफी अटैकिंग है, एंड दे आर नॉट इंटिमिडेटेड विद ऑल दीज बिग क्लब्स, तो आर्सेनल के अगेंस्ट भी फ्रंट फुट पे ही थे, काफी अच्छा खेल रहे थे, सो आई रियली लाइक द वे दे प्ले, एंड अबाउट वॉटफोर्ड दे ऑल्सो हैव सम इंडिविजुअल ब्रिलियंट प्लेयर्स लाइक इस्माइल असार, और ये सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास भी, so I think that but because unka home hai Norwich ka, so I think they're gonna edge this one, I think it's gonna be a 1-0 victory for Norwich. Mujhe lagta hai ki Norwich ko jeetna chahiye ye, I'll go with a 2-1 Norwich win, so matlab kafi acha game hai Farka, and fun fact, he was Tuchel's assistant Dortmund mein jab Tuchel was manager, so ek wo ek fun fact aapke liye, to thoda sa ek soft corner wahan pe kahin na kahin। ओके, तो नेक्स्ट गेम एस्टन विला एवर्टन। एस्टन विला कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, और वो जो चाह रहे थे कि वो साइनिंग्स जो उनकी नई आई हैं वो क्लिक करें, उस तरीके से अभी तक दिखा नहीं है, तो रिजल्ट्स फिर भी उन्होंने कुछ अपने मतलब निकाल लिए हैं जैसे तैसे, ग्रिलिश के जाने के बाद उन्होंने साइनिंग्स तो बहुत अच्छी करी, बट अभी भी एक टीम का मोल्ड देखना बाकी कि ये टीम कैसी मतलब शेप लेती है। तो दूसरी तरफ देखें तो एवर्टन का काफी शानदार शुरुआत रहा है अंडर राफा बेनिटेस, and they have looked really solid, especially their win against Brighton was very professional performance. So, क्या कहना चाहोगे इस मैच के बारे में?
एस्टन विला एज यू सेड दैट थोड़ा सा टाइम लग रहा है न्यू प्लेयर्स एंड न्यू साइनिंग्स है डेवलप होने में टाइम लग रहा है बट बहुत ही अच्छी साइनिंग्स है मतलब आई थिंक दैट द वे दे हैव स्पेंट द ग्रीलिश मनी इज ब्रिलियंट बहुत ही अच्छे प्लेयर्स साइन किए एंड ऑली वॉटकिंस इज वन प्लेयर दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को एज अ ही इज दिस दिस न्यू जेन स्ट्राइकर होल्ड अप प्ले भी आता है पेस भी है सब कुछ फिनिशर भी बहुत अच्छा है फिनिशर भी बहुत अच्छा है तो मुंडिया है एंड बेली है बहुत अच्छे से प्लेयर साइन किए एंड ऑन द अदर हैंड बेनिटेस का जो एक्सपीरियंस है पीएल का वो हमेशा इट ऑलवेज कम्स गुड तो बहुत ही अच्छा मैच मैचअप होने वाला है एंड एज यू सेड कि एस्टन विला को थोड़ा टाइम लग रहा है अभी मोल्ड नहीं हो पा रहे हैं वी आर येट टू सी व्हाट काइंड ऑफ शेप दे आर गोना टेक एज द सीजन प्रोग्रेसेस बट देन अगेन जो प्लेयर्स हैं वो इतने ब्रिलियंट हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है दे आर दे गोना बी लिटिल बिट अनप्रेडिक्टेबल इन दिस अर्ली रन ऑफ फिक्स्चर्स सो आई लाइक टू गो विद अ 2-2 ड्रॉ इन दिस वन आई विल गो अच्छा मैचअप होने वाला है मैच अच्छा होगा आई विल गो विद अ 1-0 एवर्टन विन ऑन दिस वन मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि एवर्टन विल एज विला इन दिस वन फाइनली वी हैव अ फिक्स्चर जिसमें वी डिसएग्री ऑन द स्कोर तो अच्छा है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने इसमें क्या होता है तो जो भी मतलब अगर अब जिसके भी फेवर में गए फिक्स्चर वी विल ब्रैग एक दूसरे को फोन करके बोलेंगे कि देख मैंने सही बोला था वो तो होता ही है ओके ब्राइटन वन अ ब्रिलियंट गेम लास्ट वीक अगेंस्ट ब्रेंटफर्ड लास्ट विनर में ट्रोसार्ड का लास्ट मिनट में ट्रोसार्ड का विनर शानदार मतलब कर्लर मारा तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट है और बहुत अच्छा खेल रही है ब्राइटन आई थिंक दे हैव वन 3 games out of their 4 और काफी मतलब अच्छा हाई फ्लाइंग स्टार्ट है और मतलब अगर आप इतना अच्छा स्टार्ट करते हैं और आपको पता है कि बाय एंड ऑफ अप्रैल या मतलब मार्च अप्रैल वाला जो क्रंच टाइम होता है यू विल बी इन द रेलिगेशन स्क्रैप तो एक बहुत अच्छा कुशन अभी से ब्राइटन के पास आ गया है ऑन दी अदर एंड लेस्टर की बात करें तो कहीं ना कहीं शार्पनेस लैक कर रही है लेस्टर जो हम देखते हैं हमेशा कि एक प्रोफेशनल लेस्टर होती है वो कहीं ना कहीं इस बार दिख नहीं रही है क्योंकि हम देखें तो नॉर्विच के अगेंस्ट भी उनके बड़ी मतलब दिक्कत आई थी जीतने में और वेस्ट हैम ऑल्दो आई वाज ए प्रेस गॉट अ रेड कार्ड बट वो एक डेमोलिशन नहीं बोलूंगा मैं उसको 4-1 जो ये हारे हैं उनसे तो Do you think it would be as straightforward as it looks on paper? Brighton will have other ideas. I think that Brighton are going to edge this one. I'll go forward with this also. Because lot of people say that if Arteta is sacked, then we should go for Graham Potter. His style is very good. He's a very great manager, I think. We early stages, mein 2-3 saal se jo unko follow kar rahe hain to. Because you see, Ben White gaya. तो सबको लग रहा था कि देखो ना स्ट्रगल लिटिल बिट बट ऐसा कुछ नहीं है उसने अपनी टीम संभाल ली एज यू सेड दैट 3 मैच जीत गए हैं 4 में से तो अच्छा स्टार्ट है एंड जब इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो एक कॉन्फिडेंस भी टीम में आ जाता है टू प्ले वेल एंड उनका ब्रांड ऑफ फुटबॉल ऐसा है कि देयर इज नो इंडिविजुअल प्लेयर दैट दे आर डिपेंडेंट अपॉन पूरा टीम एक साथ ही चलता है तो इसके लिए आई थिंक एंड लेस्टर इज अ लिटिल बिट या लैकिंग दैट शार्पनेस एज यू सेड इतना बिकॉज एवरी लास्ट 2-3 सीजन से हम लोग देख रहे हैं कि उनका स्टार्ट हमेशा बहुत अच्छा होता है देयर आर ऑलवेज टॉक्स अबाउट देम बीइंग इनटू द मिक्स ऑफ द टाइटल कंटेंशन आल्सो बट इस बार ऐसा लग नहीं रहा है एंड टॉप 4 भी आई थिंक बहुत मुश्किल होगा इस बार तो लेस्टर के एवरी ईयर वो कुछ ना कुछ एंड में आके बॉटल अप करते हैं इस बार स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया है बॉटल अप बट देन अगेन वाडी पार्टी तो हमेशा राउंड द कॉर्नर ही होती है सो आई थिंक दैट इट्स गोना बी अ ब्राइटन विन इन दिस वन आई विल गो विद अ 2-1 ब्राइटन आई विल गो विद अ 1-1 ड्रॉ देखते हैं क्या होता है मतलब काफी इंटरेस्टिंग गेम होगा ये भी ओके देन वी विल मूव ऑन टू अ गेम विच आई थिंक कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होगा गिवन द फैक्ट दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सफर्ड आई वुड नॉट से अ ह्यूज लॉस बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को डेंट लगेगा कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग में यंग बॉयज से हारते हैं आप और मतलब थोड़ा सा मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेट थे विद वैन बिसाका रेड कार्ड तो वो एक चीज जरूर प्ले करेगी उनके माइंड पे कहीं ना कहीं तो क्या लगता है कि क्योंकि वेस्ट हैम हैव बीन इन टॉप फॉर्म एंटोनियो इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम एज ही गॉट अ रेड कार्ड इन द लास्ट गेम तो वो एक बहुत ह्यूज मिस होगा बट स्टिल दे हैव वेरी एक्साइटिंग प्लेयर्स लाइक बेन रामा है डेक्लिन राइस तो उनके लिंचपिन है ही मिडफील्ड में उनके मेन प्लेयर है तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा यूनाइटेड के लिए ये गेम अप्रोच करना बिकॉज थोड़ा सा मैं कहूंगा कि यहाँ पर
कोहिजन ज्यादा दिखता है वेस्ट हैम में यूनाइटेड से ज्यादा, और वो अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि यूनाइटेड ने ऑलमोस्ट हर पोजीशन में एक नया प्लेयर साइन किया है. दे हैव वरान इन द डिफेंस, देन सैंचो है, रोनाल्डो है, तो अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री देखनी बाकी. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? I totally agree with you on this one because West Ham is a very gelled up team. Last season हमने देखा था कि जैसे लिंगार्ड का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट था उन पे, and he was doing wonders with that. And he wanted David Moyes wanted him again, but unfortunately it didn't work out. But then again, Benrahma बहुत easily transition कर गया उसी role में, and he's been phenomenal for them in this early run of fixtures. तो इतना कुछ उनको अभी तक फर्क पड़ा नहीं है. Agreed that Antonio का loss बहुत बड़ा है because he is that one player who has lately got a reputation of being deadly in front of goals. Hold up play बहुत अच्छा है, physicality इतनी है, finishing बहुत अच्छी है. तो they are obviously gonna miss him. But then again, Manchester United का यार depth बहुत अच्छा है. थोड़ा सा sluggish लग रहे थे शुरू के 30-35 minutes में, last game में बहुत सारी hopes थी सारे fans की Ronaldo का comeback and all. But the way they turned things around after that second half में तो मजा ही आ गया. सारे goals अच्छे थे, Bruno का goal बहुत अच्छा था, Ronaldo का counter attack का goal बहुत अच्छा था, Jesse Lingard का goal तो icing on the cake था. So it shows that when a team is high on confidence, then they can do wonders. But वही है, as you said कि पर कहीं ना कहीं game जो है वो convincing नहीं लगा था. रोनाल्डो का कमबैक बहुत ही बड़ी बात है. इवन द मैच दे लॉस्ट अगेंस्ट यंग बॉयज, उसमें भी रोनाल्डो ने स्कोर किया है. सो इट शोज दैट हाउ इजिली ही इज बीइंग ट्रांजिशनिंग इनटू द लीग. और फैंस का जो रिएक्शन था वो तो बहुत ही अल्टीमेट था, द वे दे वेलकम्ड हिम, व्हिच वाज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड, बट इट गिव्स अ ह्यूज बूस्ट टू एवरीवन. पीछे से स्टोरीज आ रही हैं बहुत सारी दैट ही हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द स्क्वाड, कि लोग खाना भी उसको देख के ही खा रहे हैं. वीकेंड पे दे हैव दिस रिचुअल ऑफ ईटिंग डेजर्ट्स, बट रोनाल्डो को देख के वो सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. सो ऑल दीज स्टोरीज शोज दैट द क्लब इज, मतलब इवन पॉल पोगबा भी अभी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एंड देयर आर टॉक्स ऑफ हिम साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच वाज नॉट, आई डोंट थिंक दैट इट वाज वेरी बिलीवेबल लास्ट सीजन अगर हम लोग बात करते तो. सो इट शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड द क्लब, एंड आई थिंक दैट वेस्ट हैम यूनाइटेड का मैच हमेशा अच्छा होता है, बट यूनाइटेड आर ऑलवेज कन्विंसिंग अगेंस्ट वेस्ट हैम. दे ऑलवेज put up a great performance against them. I remember it from the Rooney days. Rooney to ek aisa player tha jo hamesha hi score karta tha West Ham ke against. So I think that it's going to be a United victory in this one. I think I'll go with a 1-2 victory for United. I'll go with a 1-0 victory for United. Ha, mere ko bhi lagta hai ki matlab West Ham ke paas hai, they have the means to stop United, but United ke paas ab X factor zabardast aa chuka hai. They find these ways to crunch out results जो last season भी हमने कहीं ना कहीं देखा था, and they need a good response. और एक बात ये है कि United का एक away run है, वो बहुत amazing रहा है पिछले एक डेढ़ साल में. I think they have not lost a game पिछले एक डेढ़ साल में, तो वो भी एक factor है. They are a very good away side, तो देखना होगा. I think कि इतना straight forward नहीं होगा, it will be a hard fought 1-0 victory for Man United. I think so, but they will edge this one. Okay, so now the big one, Super Sunday, is game week का आखिरी game, और मतलब ये हम साथ भी देखेंगे, I hope. तो Chelsea are traveling to Spurs, तो क्या लगता है गौरव, right off the bat? I've been reading a lot about Chelsea and a lot of experts. I mean, I'm not saying that I believe whatever the experts say, but a lot of people, a lot of experts, they say that among all those teams that are into the title mix, Chelsea looks the most convincing one. And that's not to brag anything about them. These are the same, it's a little bit unbelievable also, because these are all the same group of players which were under Lampard. Only the one signing that stood out was of Lukaku. So it shows the impact that Tuchel has on the team. That every time they walk out of the tunnel, you have that belief ki yaar aaj to jeet hi jayenge. Matlab draw ka bhi kuch wo nahi lag raha ki yaar shayad draw ho jayega. Last season I used to talk to you, hamesha lagta tha ki yaar
ड्रॉ भी हो सकता है, शायद हार भी सकते हैं. बट अब ये जो बड़े मैचेस भी हैं स्पर्स के अगेंस्ट, आई डोंट थिंक दैट इवन यू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस आल्सो. मेरे को लगता है कि यार दैट्स द इंपैक्ट ऑफ टुचेल, द वे ही हैज पुट अप हिज टीम, की डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर लिया है. तो इट शोज इंपैक्ट ऑफ द मैनेजर ओनली, बिकॉज यही सेम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स था लैम्पार्ड के अंडर, एंड आई थिंक दैट लैम्पार्ड इतना बुरा नहीं कर रहा था, अच्छा ही कर रहा था. वट एवर, थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स हो गए थे, बट इट शोड दैट दीज प्लेयर्स हैड द केपेबिलिटी, एंड नाउ इट्स रियली शोइंग आफ्टर चैंपियंस लीग विक्ट्री. तो अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल पे जा चुके हैं. एंड ऑन द अदर हैंड स्पर्स का डिफेंसिव तो कभी भी अब थोड़ा अजीब सा ही है, थोड़ा कन्विंसिंग इतना है नहीं. जो ओल्ड गार्ड था उनका वो सारा ही जा चुका है. एरिक डायर इज वन प्लेयर विच इज वे टू इनकंसिस्टेंट. तो थोड़े बहुत इश्यूज उनके पास हैं. एंडोमले है, ब्रिलियंट प्लेयर है अपने दिन पे, बट पता नहीं कंसिस्टेंसी का बहुत ही इशू है उसका भी. एंड न्यू साइनिंग्स अभी तक थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में. बहुत ही अच्छी साइनिंग्स हैं, मैनेजर अच्छा है जो लिया है इन लोगों ने, बट दिस गेम कम्स टू अर्ली फॉर देम, एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री फॉर चेल्सी. इट शोज लेवल्स about Chelsea that I'm not even considering a draw in this one, even though the match is in Spurs home ground. So what do you have to say about it? हाँ, मतलब मुझे यही लगता है, spot on है आप काफी, कि इतना confidence बहुत time बाद आ रहा है. अगर Chelsea किसी बड़े match में भी जाती है तो nervousness नहीं होती है, मतलब ठीक है. मतलब अगर result भी हमारे favor में नहीं हुआ तो performance तो अच्छी होगी, मतलब वो वाली बात, consistency वाली एक feeling है. और defense बहुत, मतलब एक confidence दे रहा है जिस तरीके से टीम डिफेंड कर रही है, और वो एक लिवरपूल वाले मैच से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अप हो चुका है टीम का. तो आपके साथ अग्री करूंगा मैं, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ, आई विल गो विद अ 2-1 चेल्सी विक्ट्री इन दिस वन. व्हाट अबाउट यू? सेम फॉर मी, बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक दैट इट्स गोना बी अ 2-1 विक्ट्री फॉर चेल्सी, बट द स्कोर लाइन वोंट बी डूइंग जस्टिस टू इट. आई थिंक दैट द इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ हैरी केन माइट get them a goal, Tottenham Hotspur, but other than that, I think Chelsea is going to dominate this game from start to end. चलो, let's hope whatever we discussed कि यही हो match में, और मजा आया game देखने में. और जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, 25th September को next game week में we have Chelsea versus Man City, तो इसकी भी बात करेंगे उससे पहले. काफी अच्छे fixtures हैं next week भी. It's Arsenal versus Spurs. Oh my God, not London Derby. So we have to call Gaurav. We have to call Gaurav for that one too. So, चलिए दोस्तों फिर. I think that's a wrap. And Gaurav, as always, thank you so much. Pleasure having you. Or let's hope Arsenal and Chelsea get their wins. और फिर discuss करेंगे हम, and we will be back with tops and flops of game week 5. Discuss करेंगे कि कौन सी teams और कौन से players ने impress किया और disappoint किया. चलिए दोस्तों फिर, अपना ध्यान रखिए. टेक केयर ऑफ yourselves, टेक केयर ऑफ your families. थैंक यू गौरव, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.